नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाली हूँ जो अक्सर आपके आसपास ही पाए जाते हैं। यह किसी भी स्थान पर उगाता है। इसे दूधी कहते हैं या इसे दुधिया घास के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा दो प्रकार का होता है, एक जिसे छोटी दूधी कहते हैं। इसके पत्ते छोटे होते हैं और यह हल्के लाल रंग का होता है। इसके फूल भी हल्के लाल रंग के होते हैं। और दूसरी जिसे बड़ी दूधी कहते हैं, इसके पत्ते बड़े होते हैं और हरे रंग के होते हैं। इनके पत्तों पर हल्की लालीपन पाई जाती है। छोटी दूधी और बड़ी दूधी दोनों लगभग एक समान ही होते हैं और इनके गुण भी लगभग समान होते हैं। इस पौधे के इतने गुण हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं इस पौधे के गुणों के बारे में। अतिसार, पीची व पेट की समस्या के लिए यह संजीवनी के समान है। जिनको अतिसार की परेशानी है वे लगभग 10 ग्राम दूधी को पीस कर सुबह शाम पानी के साथ पिए। कुछ दिन ऐसा करने से अतिसार से लाभ मिलेगा तथा आंतें स्वस्थ होंगी। अतिसार में इसका प्रयोग अत्यंत ही कारगर है। यदि यह ताजी ना भी मिले तो सुखा करके पाउडर बनाकर एक एक चम्मच पीने से अतिसार व आंत की बीमारी ठीक हो जाती है, जिसे बार बार शौच जाना पड़ता है। दूधी खाने से भी यह तकलीफें दूर हो जाती हैं। जिनको पेचिस की शिकायत हो, मल के साथ रक्त का स्त्राव हो रहा हो, अगर उसे ताजी दूधी पीसकर थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी मिलाकर पिलाया जाए तो लाभ होगा। यदि ताजी दूधी ना भी मिले तो दूधी पाउडर में फिटकरी मिलाकर पीने से भी रक्त स्राव बंद हो जाता है। जिन्हें नकसीर की शिकायत हो या फिर नाक से खून बहता हो, उनके लिए यह पौधा बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे रोगी को दूधी के पाउडर में थोड़ी सी मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से नकसीर की शिकायत दूर हो जाएगी। जिस व्यक्ति को अत्यधिक कमजोरी हो और काम शक्ति की शिकायत हो, उन्हें 100 ग्राम दूधी के पाउडर में 100 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन करने से धातु जन्य रोग और कमजोरी दूर हो जाती है और शरीर में एंजाइम और पाचन रस अच्छी से बनने लगता है। शुगर के पेशेंट इसमें मिश्री मिलाए बिना भी सीधे खा सकते हैं। हमारे देश के छत्तीसगढ़ और झारखंड क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि दूधी के फूल को कपड़े में बांधकर कान में लटका लिया जाए तो पेट के कीड़े साफ हो जाते हैं। वैसे औषधीय रूप में दूधी के पाउडर को सुबह शाम सेवन किया जाए तो इससे पेट के कीड़े निकल जाते हैं। छोटे बच्चों के पेट में यदि कीड़े हो गए हों तो दूधी का रस निकाल कर 1 से 2 चम्मच सुबह शाम पिलाएं। इससे उनके पेट के कीड़े निकल जाएंगे और ताकत भी बढ़ेगी। जिनके बाल बहुत ही झड़ रहे हों, उनके लिए दूधी बहुत ही लाभप्रद पौधा है। इनमें दूधी और कनेर के पत्तों का रस मिलाकर बराबर मात्रा में बालों की जड़ में लगाने पर बालों का टूटना और झड़ना बंद हो जाता है। लेकिन पहले कनेर का रस अपनी त्वचा पर लगाकर देख लें। यदि दाने और खुजली होती हो तो इसका प्रयोग ना करें। जिनको रतौंधी बीमारी है या रात में कम दिखाई देता हो, वे दूधी का दूध निकाल कर रुई की डंडी पर लेकर 1-2 बूंद लेकर दिन में 1 से 2 बार आँख में डालें। इससे रतौंधी की शिकायत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये जरूर है कि इसके दूध से आँख में जलन जरूर होती है, लेकिन सहन करना पड़ सकता है। जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा हो, सभी मेडिकल रिपोर्ट सही होने पर भी गर्भधारण ना हो पा रहा हो, तो वह दूधी का पाउडर सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करें या फिर दूधी का काढ़ा पिएं। इसके गर्भधारण की क्षमता बढ़ जाती है। जिनको खांसी की शिकायत है, उनके लिए दूधी रामबाण है। इसके लिए काली मिर्च, तुलसी तथा दूधी का काढ़ा बनाकर नियमित रूप से सेवन करें। इससे खांसी की समस्या दूर हो जाती है। चेहरे पर कील, मुहासे तथा दाग की समस्या हो तो दूधी का दूध लगाने से फायदा होता है। दमे के रोगी को दूधी के पंचांग, जिसमें फल, फूल, जड़, तना और पत्ती आते हैं, इनके रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए। यह दमा के लिए रामबाण इलाज है। तो दोस्तों, जाना आपने दूधी के फायदे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।